इस वीडियो में बात करेंगे RAS यानी रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की। दोस्तों, मछली पालन के लिए ये तकनीक बेहद खास है, इसलिए क्योंकि इस तकनीक से आप थोड़ी जमीन पर कम पानी में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। RAS तकनीक से आप सीमेंट के टैंक बनाकर मछली पालन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस तकनीक से मछली पालन करने के लिए आप केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान का लाभ भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि RAS तकनीक को भारत सरकार ने नीली क्रांति के अंतर्गत रखा है और इस परियोजना को पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग की है। रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए बनाई गई योजना के तहत मछली पालक को 50 लाख रुपए की यूनिट कॉस्ट की दर से एक लघु इकाई का प्रोजेक्ट लगाने का प्रावधान दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार 40% से 60% तक की सब्सिडी दे रही है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% और कमजोर वर्ग जैसे कि महिला, SC ST आदि को 60% का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के अलावा RAS तकनीक से मछली पालन करने के लिए सरकार आपको बैंक से लोन भी दिलाएगी। हाँ, अनुदान का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिन्हें मत्स्य पालन का अनुभव हो या मत्स्य पालन के व्यवसाय से वो जुड़े हुए हों। दोस्तों, रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक से मछली पालन करने पर प्रति मछली सिर्फ 9 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि सामान्य विधि से जब तालाब में आप मछली पालन करते हैं तो एक मछली को अनुमानित 300 लीटर पानी में रखा जाता है, क्योंकि 1 एकड़ तालाब में करीब 60 लाख लीटर पानी होता है जिसमें 20,000 मछलियों को पाला जा सकता है। जबकि ठीक इसके उलट RAS तकनीक से मछली पालन करेंगे तो 1,000 लीटर पानी में आप 100 से 120 मछली तक रख सकते हैं। ऐसे में रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम से मछली पालन करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और सरकारी अनुदान का लाभ आपके रोजगार को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आपको बता दूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 में भारत में मछली पालन की खपत 4 गुना तक बढ़ जाएगी। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये व्यवसाय आपके लिए कितना फायदेमंद साबित